प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई दी और इसे लेकर ट्वीट किया। इस बधाई संदेश को चीन के लिए एक कड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैंने फोन पर बात की, हमने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। 2015 में अपने जन्मदिन पर दलाई लामा के बधाई संदेश पर शुक्रिया अदा करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा से अपने किसी संवाद को पहली बार सार्वजनिक किया। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चीन के साथ भारत के संबंधों के मद्देनजर तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा और प्रधानमंत्री मोदी का संवाद 2015 के बाद से सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन आज का प्रधानमंत्री का बधाई संदेश भारत की तिब्बत नीति में बदलाव के संकेत दे रहा है। दलाई लामा को प्रधानमंत्री की आज की जन्मदिन बधाई इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि आज से पहले 2013 में यानी जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने थे तब उन्होंने दलाई लामा को दी गई अपनी बधाई सार्वजनिक की थी। यानी अब 2021 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम ने दलाई लामा को दी गई जन्मदिन की बधाई को दुनिया को बताया। यहां यह भी अहम है कि अभी 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर भी भारत ने चीन को बधाई नहीं दी थी। पिछले साल दलाई लामा के जन्मदिन के ही दिन चीन ने गलवान से पीछे हटने का वादा किया था और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी गई थी। 2019 में पीएम मोदी ने दलाई लामा को निजी तौर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। 2018 में मोदी सरकार ने केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेताओं और सरकारी अधिकारियों को दलाई लामा के भारत में शरण लेने के 60 साल पूरे होने के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया था। 2018 में राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित थैंक यू इंडिया कार्यक्रम में रद्द करने पड़े थे क्योंकि उसमें दलाई लामा को शामिल होना था और भारत सरकार चीन को से अपने रिश्ते बुरे नहीं करना चाहता था। दलाई लामा ने 1959 में भारत आकर शरण ली थी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बतियों की निर्वासित सरकार चल रही है। दलाई लामा तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और इस बात की संभावना है कि चीन अगला दलाई लामा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जो चीन परस्त हो। अब हम नए आईटी नियमों को न मानने की ना समझी कर रहे ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतिम चेतावनी का विश्लेषण करेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कायदे से बता दिया कि या तो ट्विटर भारत के कानून के हिसाब से चले नहीं तो उस पर भारतीय कानून का डंडा चल जाएगा। दरअसल नए आईटी नियमों को मानने से आनाकानी करने वाले ट्विटर के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां ट्विटर पर ही ट्रेंड करने लगी। ट्विटर पर दिल्ली हाईकोर्ट की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टिप्पणी यह थी कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब के साथ आओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में अलग अलग एफआईआर। ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को बैक टू बैक समन। भारत का गलत नक्शा पोस्ट करने की हिमाकत। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट से खिलवाड़। नए आईटी नियमों पर भारत सरकार से सीधी तकरार। भारत में खुद को मनमर्जी का मालिक माने बैठे ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि नए आईटी नियमों पर स्पष्ट जवाब लाओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। कोर्ट अब ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी आने वाले दिनों में अगर ट्विटर को भारत से देश निकाला का नोटिस मिल जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियां तो यही इशारा करती हैं। सेंटर हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड दिल्ली हाईकोर्ट दैट ट्विटर हैज लॉस्ट इट्स लायबिलिटी प्रोटेक्शन और इट्स इंटरमीडियरी स्टेटस। दैट मींस नाउ ट्विटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी ट्वीट होस्टेड बाय इट। जो ट्विटर है वो अपने आप को भारतीय संविधान और कानून और सरकार से सर्वोपरि ना समझे। एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आई है और उसकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे वो किसी अन्य देश में जाके बिजनेस करेगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश का कानून तो मानना पड़ेगा। आइए यहाँ बिजनेस कीजिए लेकिन देश के कानून के हिसाब से कीजिए। जैसे आपको अमेरिका का मानना पड़ेगा जहाँ की आप कंपनी है, वैसे ही आपको इस देश का मानना पड़ेगा। नए आईटी नियम लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ट्विटर ने नियमों की अवहेलना की। इस पर केंद्र ने कहा कि हाँ, ट्विटर नियमों को मानने में आनाकानी कर रहा है।
इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील ने भी माना कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। 26 फरवरी को नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को गलती सुधारने के लिए 3 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन ट्विटर ने भारत के कानून मानने के बजाय भारतीय कानून से ही खिलवाड़ शुरू कर दिया, जिसे सरकार पहले दिन से ही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि भारत में ट्विटर अपनी ऑनलाइन सरकार नहीं चला सकता। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उसे भारत के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांश अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। इस पर ट्विटर के वकील ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी। ट्विटर के वकील ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में अलग टाइम जोन है, इसके लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने वकील को आदेश दिया कि हमें ट्विटर से पूछकर बताएं कि ग्रीवांश अधिकारी नियुक्त करने में कितना टाइम लगेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्विटर को लगता है कि वो हमारे देश में जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं तो कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को दो टूक कहा है कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब लाएं, वरना ट्विटर परेशानी में होगा। अब 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया कि इन्हें कई बार मौका दिया गया, अधिसूचना जारी की गई, लेकिन ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इनका अड़ियल रवैया बरकरार रहा। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अब वो ट्विटर को किसी तरह का संरक्षण देने को तैयार नहीं है। भारत के कानून से खिलवाड़ करने का खामियाजा ट्विटर को भारत में इंटरमीडियरी यानी बिचौलिए का दर्जा खोकर चुकाना पड़ा, जिसके बाद अब उस पर भारतीय कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। लेकिन जिस तरह ट्विटर भारत में मनमर्जियां दिखा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत में ट्विटर का भविष्य कोई ज्यादा उज्ज्वल नजर नहीं आता। गुरुवार को आगे की सुनवाई है और इसमें ये तो समझ में आ गया कि ट्विटर को अब घुटने तो टेक नहीं पड़ेंगे, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। आईटी नियमों के मुताबिक उसे चलना पड़ेगा और सिर्फ चलना ही नहीं, इसके लिए हलफनामा भी कोर्ट को देना पड़ेगा कि हाँ, वो सारे नियमों का, भारत के संविधान का और सारे विधि विधान का पालन करने को तैयार है। कैमरामैन पवन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। नए आईटी नियमों की अनदेखी कर रहे ट्विटर को भारत सरकार की बात